फाइनली आईफोन 16 जो कि AI के साथ पहला आईफोन है जो इंडिया में लॉन्च हो गया है। साथ ही इसके कैमरा मॉड्यूल में आए बदलाव, हालांकि बाजार में इसका मुकाबला Google Pixel 9 और Samsung Galaxy S24 जैसे स्मार्टफोनों के साथ होगा और ऐसे में इसके कुछ और फीचर जैसे कि इसका 48 MP फ्यूजन कैमरा और एक्शन बटन व कैप्चर बटन इसे इनसे अलग बनाते हैं। लेकिन फिर भी इस टक्कर की प्रतियोगिता में कौन बेहतर है, यहाँ हम बात करने वाले हैं आईफोन 16 और Google Pixel 9 स्मार्टफोन के बारे में। दोनों के तुलना में कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेहतर होगा? तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Pixel 9 में इस बार किनारे फ्लैट हैं, जिनसे फोन को हाथ में पकड़ना थोड़ा असुविधाजनक होता है। साथ ही इस बार कैमरा मॉड्यूल में फ्रेम में मर्ज होता हुआ नहीं है, बल्कि अलग से एक स्ट्रिप है। वही आईफोन 16 का कैमरा मॉड्यूल भी बदला है, लेकिन ये अब चौकोर से काफी छोटा होकर एक कैप्सूल के शेप में है। हालांकि इसके भी फ्लैट किनारे हैं। पिक्सल 9 में 6.3 इंच का डिस्प्ले है, जबकि आईफोन 16 में स्क्रीन साइज अब भी 6.1 इंच का ही है, लेकिन रिफ्रेश रेट सपोर्ट के मामले में पिक्सल 9 में 60 Hz से 120 Hz तक अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है। साथ ही इसमें 2700 निट्स की ब्राइटनेस है। वही आईफोन 16 की सुपर रेटिना XDR OLED स्क्रीन में ब्राइटनेस 2000 निट्स तक है। लेकिन एक चीज जो आईफोन 16 के डिस्प्ले को बेहतर बनाती है वो है डायनामिक आइलैंड फीचर, जो पिक्सल 9 में नहीं है। ये दोनों ही फोन AI फीचरों के साथ आए हैं। दोनों में आपको ईमेल को समराइज करने, टेक्स्ट जनरेट करने, फोटो एडिटिंग में AI फीचरों के साथ सुविधा, वीडियो मीटिंग को नोट्स में बदलने जैसे कई AI फीचर मिलते हैं। हालांकि एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होंगे, इन्हें भारतीय बाजार में आने में थोड़ा समय लग सकता है। कैमरा की बात करें तो पिक्सल 9 में 50 MP प्राइमरी कैमरा, 48 MP अल्ट्रा वाइड और 10.5 MP का सेल्फी कैमरा है। गूगल AI के कुछ फीचर जैसे मैजिक एडिटर और एडमी कैमरा को और बेहतर बनाते हैं। वही आईफोन 16 में 48 MP प्राइमरी कैमरा है, जिसे कंपनी ने फ्यूजन कैमरा कहा है, और 12 MP अल्ट्रा वाइड सेंसर है। हालांकि यहां भी एप्पल इंटेलिजेंस के कुछ फीचर हैं, जो आपके फोटोग्राफी के अनुभव को थोड़ा और बेहतर करेंगे। इसके अलावा आईफोन 16 के साथ आप एप्पल विजन प्रो के लिए स्पेशियल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वही पिक्सल 9 ऐसा नहीं कर सकता। परफॉर्मेंस के मामले में तो जाहिर है कि आईफोन 16 18 चिप के साथ पिक्सल 9, जिसमें टेंसर G3 है, से काफी आगे है। नए आईफोन्स में मौजूद चिप 3 नैनोमीटर मॉडल पर बनाए गए हैं, जिनमें बेहतर छोटे ट्रांजिस्टर हैं, जिनके साथ पावर एफिशिएंसी भी बढ़ती है और परफॉर्मेंस भी। दोनों ही फोनों में बैटरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कंपनी ने अनुसार पिक्सल 9 की बैटरी 19 घंटे और 20 मिनट तक चलती है। वही आईफोन 16 के बैटरी बैकअप के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।